हेलो फ्रेंड्स, क्या आप रियली समझना चाहते हैं कि कैश मार्केट क्या होता है, स्पॉट मार्केट क्या होता है, डेरिवेटिव्स मार्केट क्या होता है? लोगों को आज भी स्पॉट मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, कैश मार्केट को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। जब ब्रोकर्स बोलते हैं कि आप कैश में काम करोगे या डेरिवेटिव्स में काम करोगे, तो लोगों को आमतौर पर समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। तो इफ यू रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वॉट इज दिस ऑल अबाउट, देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ कोरोना। आई होप आप और आपकी फैमिलीज इस खतरनाक वायरस से, इस लॉकडाउन में सेफ रही हो। हम IBBM पे हमेशा आपकी हेल्दी रहने की, सेहतमंद रहने की दुआ करेंगे। ताओ द लॉकडाउन इज गोइंग डाउन, अनलॉक हो रही हैं चीजें धीरे धीरे, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमेशा प्रिकॉशंस लें और सेफ रहें। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे। सो द टॉपिक दैट वी गोना स्टडी टुडे इज बेसिकली वी वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ कैश मार्केट। देखिए, कैश मार्केट कुछ नहीं है अलग से। कैश मार्केट इज एक्चुअली अनदर नेम फॉर ट्रेडिंग इन स्पॉट मार्केट, और वी कैन से ट्रेडिंग इन इक्विटी और स्टॉक्स। देखिए दोस्तों, ये चारों एक ही चीज है, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। जब आप बाजार में काम करते हैं तो आप अलग अलग मार्केट्स में काम करते हैं। इंडिया में प्राइमरीली जो प्रेवलेंट मार्केट्स हैं, दैट आर फर्स्ट स्टॉक मार्केट, द सेकेंड इज योर डेरिवेटिव्स मार्केट, द थर्ड बीइंग योर करेंसी मार्केट, द फोर्थ इज योर कमोडिटी मार्केट। आप इन सब बाजारों में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं। कई लोगों को स्टॉक ट्रेडिंग पसंद है, कई लोगों को डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग पसंद है, कई लोगों को करेंसी ट्रेडिंग पसंद है, कई लोगों को कमोडिटी ट्रेडिंग पसंद है। देयर इज एन हिडन डिफरेंस बिटवीन करेंसी एंड फॉरेक्स, ये भी समझ लीजिए। करेंसी मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट आर नॉट वन एंड द सेम थिंग, दे आर डिफरेंट। सो स्टॉक मार्केट इज डिफरेंट, डेरिवेटिव मार्केट इज डिफरेंट, करेंसी मार्केट इज डिफरेंट, कमोडिटी मार्केट इज डिफरेंट। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इन चारों किसी भी एक मार्केट में काम करते हैं, या फिर शायद आप सब मार्केट में करते हो, या शायद इनमें से किसी दो या तीन में भी करते हो, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट एंड फीजिबिलिटी। तो जनरली जब आप एक डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो ब्रोकर अलग अलग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि ब्रोकर आपसे एक्चुअली कहना क्या चाहता है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को आज उठाया, क्योंकि मेरे पास कंसिस्टेंटली इन टॉपिक्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। देखिए, जब आप डायरेक्ट स्टॉक्स बाइंग सेलिंग करते हैं, स्टॉक्स की बाइंग सेलिंग करते हैं, यानी कि रियल शेयर्स खरीदते या बेचते हैं, तो इसे बोला जाता है स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग यानी जब आप रियल अंडरलाइन प्रोडक्ट खरीदते या बेचते हैं, जैसे शेयर्स या रियल गोल्ड, नॉट गोल्ड फ्यूचर्स। व्हेन यू बाय रियल गोल्ड, रियल सिल्वर, रियल कॉपर, या फिर रियल शेयर्स, यानी आप ICICI बैंक, HDFC बैंक, रिलायंस, हिंडालको, इन सबके शेयर्स खरीदते हैं, तो उसे बोला जाता है स्पॉट ट्रेडिंग या स्टॉक ट्रेडिंग। स्टॉक्स का या शेयर्स का एक और नाम होता है, जिसे बोला जाता है इक्विटी। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, स्टॉक्स, शेयर्स और इक्विटी में क्या डिफरेंस है? सो द आंसर इज, स्टॉक, शेयर्स और इक्विटी में कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर ऑल वन एंड द सेम थिंग, जस्ट अदर वन एंड अदर नेम फॉर डिफरेंट थिंग। जैसे आप अमेरिका या इंग्लैंड में जाएंगे तो स्टॉक ट्रेडिंग को इक्विटी ट्रेडिंग बोला जाता है,
यूरोपीय स्टॉक्स ट्रेडिंग बोला जाता है, हमारी कंट्री में उसे हिंदी भाषा में साधारण शेयर्स बोल देते हैं, दैट्स इट। और जब आप इसमें काम करते हैं तो इसे बोला जाता है स्पॉट ट्रेडिंग, और इसी को हम बोलते हैं कैश मार्केट। कैश मार्केट क्यों? देखिए, जब आप कोई भी छोटा सा सामान खरीदने जाते हैं कहीं पे भी मार्केट में, तो आपको उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पूरे पैसे देने पड़ते हैं। लेट सपोज आप किसी गारमेंट शॉप्स पे गए और आप कपड़े खरीद रहे हैं, तो आप उससे ये नहीं कहेंगे कि 10% ले लो और बाकी पैसे बाद में ले लेना, नहीं, आप उसे पूरा पैसा देते हैं और तब वो आपको प्रोडक्ट देता है। इसीलिए आप कैश में लेन देन कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली डीलिंग इन मनी, रियल मनी, कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसलिए इसे कैश मार्केट भी बोला जाता है। सो क्या इसे हम डेरिवेटिव मार्केट, करेंसी मार्केट या कमोडिटी मार्केट बोल देंगे? नहीं। व्हेन यू ओरिजिनली ट्रेड द प्रोडक्ट दैट इट शेयर्स, तभी उसे कैश मार्केट बोला जाएगा। तो कल को अगर आपसे कोई ब्रोकर बोलता है कि सर कैश में मार्केट में ट्रेडिंग करोगे, इसका मतलब वो पूछ रहा है कि शेयर्स में ट्रेडिंग करोगे, रियल शेयर्स खरीदोगे और बेचोगे क्या? दैट इज व्हाट योर ब्रोकर इज एक्चुअली सेइंग टू यू, वो आपसे डेरिवेटिव्स की बात नहीं कर रहा। तो दैट इज व्हाट इट मींस अ कैश ट्रेडिंग और अ स्पॉट ट्रेडिंग और ट्रेडिंग शेयर्स या स्टॉक्स, दैट इज व्हाट वी मीन बाय कैश ट्रेडिंग। सो द सेकेंड पार्ट ऑफ this portion comes out to be what is a derivatives trading। आपको ये समझने की जरूरत है। देखिए, derivative trading India में जो main major derivative products trade होते हैं वो तीन हैं, that is forwards, futures and options। ये तीन major derivative products हैं जो India में trade होते हैं। वैसे वर्ल्ड वाइड देयर आर अप्रोक्सीमेटली 96 डिफरेंट टाइप ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, राइट। हमारी कंट्री या इकोनॉमी अभी इतनी ग्रो नहीं है कि हम इन सारे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में काम करें, हम हार्डली 3 या 4 में करते हैं, अमेरिका यूरोप वगैरह में ज्यादा में होता है। Obviously, अमेरिका बींग द मैक्सिमम 96 ये जो मैंने प्रोडक्ट्स लिखे हैं ये अमेरिका के ही हैं। नाउ डेरिवेटिव मार्केट इज अ डिफरेंट मार्केट, ये हाई रिस्क हाई रिटर्न मार्केट होता है, इसमें दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, इसमें आप शेयर्स नहीं ट्रेड करते हो, आप इसमें फॉरवर्ड, फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेड करते हो, इसलिए इन्हें डेरिवेटिव बोला जाता है। डेरिवेटिव की अपनी एक लैंग्वेज है, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है कि डेरिवेटिव होता क्या है, व्हाट इज अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट, ये आप मेरे आने वाले वीडियोस में देख सकते हैं जिसमें मैं स्पेसिफिकली समझाऊंगा कि व्हाट इज अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट, डेरिवेटिव प्रोडक्ट एक्चुअली होता क्या है, दैट इज व्हाट आर फॉरवर्ड, व्हाट आर फ्यूचर्स एंड व्हाट आर ऑप्शंस, ये मैं सिखाऊंगा। तो इट्स अ डिफरेंट मार्केट। तो अगर आप ये डीमैट अकाउंट खोल रहे हो तो आप ब्रोकर से बोलोगे कि मुझे डेरिवेटिव्स मार्केट में भी काम करना है, तो कैश मार्केट अलग है, डेरिवेटिव्स मार्केट अलग है, इस बात को याद रखिएगा। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज द करेंसी मार्केट, जिसे हम काफी लोग पसंद भी करते हैं, विच इज करेंसी और द फॉरेक्स मार्केट। अब देयर इज अ इनहेरेंट डिफरेंस बिटवीन करेंसी मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट। करेंसी जब आप ट्रेड करते हैं तो आपका एक पेयर, कोई भी वन पेयर वुड बी डोमेस्टिक, जैसे वी आर इंडियन तो हमारी डोमेस्टिक जो करेंसी हुई वो रुपी हुई। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो यूएसडी आईएनआर, तो दैट इज अ करेंसी ट्रेडिंग, दैट इज यू आर ट्रेडिंग डॉलर टू रुपीस और रुपीस टू डॉलर, एनीथिंग, दैट मींस वन पेयर इज डोमेस्टिक आपकी कंट्री के हिसाब से। इट माइट बी इफ यू आर लिविंग इन अमेरिका सो योर डोमेस्टिक करेंसी वुड बी डॉलर, उस केस में अगर कोई भी ऐसा करेंसी पेयर है जिसमें डॉलर इंक्लूडेड है तो वो आपके लिए करेंसी ट्रेडिंग होगी। लेकिन अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें दोनों ही पेयर्स आपके लिए, जो जैसे आप डॉलर टू येन, दैट मींस यूएसडी, लेट्स टॉक अबाउट यूएसडी येन ट्रेड कर रहे हो, या यूरो टू लेट्स सपोज पाउंड ट्रेड कर रहे हो, दैट इज जीबीपी, सॉरी इट्स जीबीपी, तो इसमें दोनों ही करेंसी पेयर्स इंटरनेशनल है, इसमें से कोई भी करेंसी पेयर आपकी डोमेस्टिक करेंसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा,
हेंस ये आपके लिए फॉरेक्स है, सामने वाले के लिए हो सकता है ये करेंसी हो. सो द डिफरेंस बिटवीन करेंसी एंड फॉरेक्स इज कि करेंसी में एक पेयर डोमेस्टिक जरूर होता है और फॉरेक्स में दोनों ही पेयर इंटरनेशनल होते हैं. ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, वो करेंसी और फॉरेक्स को एक ही बोल देते हैं. दैट्स अ बिग डिफरेंस. और लोगों को शायद ये पता भी नहीं है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करेंसी एंड फॉरेक्स. बस करेंसी फॉरेक्स करनी है, लेकिन बेसिक डिफरेंस भी नहीं पता करेंसी फॉरेक्स का. तो दैट्स अ डिफरेंट मार्केट. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट थ्री डिफरेंट मार्केट्स, दैट इज स्पॉट, प्राइमरीली स्पॉट. स्पॉट का दूसरा नाम हो सकता है कैश या फिर इक्विटी, जो भी आप बोलना चाहिए. शेयर्स मार्केट व्हेन यू रियली ट्रेड शेयर्स. डेरिवेटिव्स इज अ डिफरेंट मार्केट. करेंसी या फॉरेक्स आर टू डिफरेंट मार्केट्स. करेंसी अलग मार्केट है, फॉरेक्स अलग मार्केट है. इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउड नहीं है. यू आर नॉट अलाउड टू ट्रेड फॉरेक्स इन इंडिया. ये बात समझ लीजिए. इफ यू वॉन्ट टू ट्रेड फॉरेक्स यू हैव टू गो आउट ऑफ अवर कंट्री. लाइक यू हैव टू गो टू दुबई, कैनेडा, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप. हमारे पास अभी फॉरेक्स ट्रेड नहीं होता, हमारे पास सब कुछ करेंसी ट्रेडिंग ही होती है. एंड फाइनली द कमोडिटी मार्केट. देखिए कमोडिटी वर्ल्ड वाइड सेम होती है, दैट इज डॉलर, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, ब्रोंज, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस. जब आप इन सब कमोडिटीज में ट्रेड करते हो तो उसे कमोडिटी मार्केट बोला जाता है. कमोडिटी मार्केट वर्ल्ड वाइड सेम रहता है, दैट्स द गुड पार्ट ऑफ इट. इट इज द सेकेंड बिगेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड. देखिए वेरी एस्टाउंडिंग फिगर्स आर देयर. द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट इज द करेंसी मार्केट. द सेकेंड बिगेस्ट इज द कमोडिटी. द थर्ड इज द बॉन्ड मार्केट. हम बॉन्ड्स में बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन इट्स एस्टाउंडिंग. द बॉन्ड मार्केट इज द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट एंड देन वी कम डाउन नेचुरली टू द स्टॉक मार्केट. So we are astounded to know that currency market is the biggest or the forex market is the biggest market of the world. That is more than, let's say, 60% of the volume comes from currency. That's ironic. और हमारे यहाँ अभी भी currency trading में बहुत कुछ होना बाकी है. So when you are trading gold, silver or any metal, or you can say power, that means crude oil, natural gas, or if you are trading agro products, they are all commodity markets. अब आपका जिसमें इंटरेस्ट हो आप काम कीजिए, लेकिन ये याद रखिएगा कि ब्रोकर की लैंग्वेज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है. यू शुड बी वेरी क्लियर कि आप किस मार्केट में काम करना चाहते हो. स्पॉट में, दैट इज कैश, स्पॉट मीन्स कैश, और द इक्विटी मार्केट. एक ही बात है, शेयर, स्पॉट, कैश. स्पॉट मार्केट बोलो, इक्विटी मार्केट बोलो, कैश मार्केट बोलो. देन द डेरिवेटिव मार्केट, बेसिकली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. देन करेंसी मार्केट और द कमोडिटी मार्केट. इंडिया में चार मेन प्रेवलेंट मार्केट से ही है. सो डोंट गेट कंफ्यूज बाय द लैंग्वेज ऑफ द ब्रोकर. यू शुड बी वेरी 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 क्लियर कि आप किस चीज को एक्चुअली ट्रेड कर रहे हो. करेक्ट. सो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को लेकर आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा. अगर आपका स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज वो भी नीचे कमेंट करिए, उसका आंसर भी मैं जरूर करूंगा. मेरे आने वाले वीडियोस का वेट कीजिए, जिसमें मैं रियली समझाऊंगा कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, व्हाट इज अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट, देन What is a forward, what is a future and what is a option. ये भी मैं क्लियर करूंगा अलग अलग levels पे. मतलब the official understanding, not only saying कि भाई ये call है, ये put है, I'm not interested. अगर आपको structure ही नहीं समझ में आता तो आगे आपको कुछ समझ में आएगा ही नहीं. So you must understand the product in which आप अपना पैसा लगा रहे हो. ये मेरा target है कि आपको real knowledge मिले और आप उसे समझ पाए. So आने वाले वीडियोस में मैं एक एक टॉपिक कवर अप करूंगा. अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी कमेंट है तो प्लीज लिखिए. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विच इज IBBM Delhi NCR. उसे लाइक कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें. आपको इन वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी और रियल स्टॉक मार्केट नॉलेज आप एक्वायर करेंगे. आई होप This knowledge is informative.
एंड यूजफुल फॉर यू। अगर आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल साइट दैट इज ibbm.co.in पे जा सकते हैं। अगर आप मेरे बारे में और कुछ जानना चाहते हैं दैट इज योर होस्ट सुधांशु सिंह, तो आप मेरी ऑफिशियल साइट सुधांशु सिंह .in विजिट कर सकते हैं। आई होप आपको आज बहुत क्लियरेंस मिली होगी इस वीडियो से। आने वाले वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के हर टॉपिक को छेड़ेंगे, हर चोरी को छेड़ेंगे, हर गुड पार्ट को छेड़ेंगे, हर बैड पार्ट को छेड़ेंगे, एंड दैट वुड हेल्प यू अ लॉट। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, योर होस्ट सुधांशु सिंह। थैंक यू सो मच।